डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द फिलर्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग। फिलर्स क्या होते हैं जो पल्प में ऐड किए जाते हैं? व्हाट आर द फिलर्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग? फिलर्स आर द एडिटिव यूज्ड इन पेपर मेकिंग टू इम्प्रूव द ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर वाइल रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए और पेपर की ऑप्टिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिलर्स को ऐड किया जाता है पल्प में। इससे पेपर की कॉस्टिंग कम होती है, क्योंकि जितना हम फिलर मिला रहे हैं उतना ही हमारा सेलुलोज फाइबर सेव होता है और हमारा फॉर्मेशन अच्छा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल फिलर्स आर, जो फिलर्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं पल्प में, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक टैल्क, नंबर दो चाइना क्ले, नंबर तीन कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर चार टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नंबर पाँच जिंक सल्फाइड और नंबर छः कैल्शियम सल्फाइड। बेनिफिट्स ऑफ एडिंग फिलर्स इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में फिलर्स का एडिशन करने का क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। नंबर एक, इम्प्रूव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक ग्लॉस, ब्राइटनेस, ओपेसिटी एंड वाइटनेस ऑफ पेपर। सेकंड, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है इसे एडिशन करने से, क्योंकि जितना हम ये मिलाते हैं उतना ही हमारा सेलुलोज फाइबर सेव होता है, जो कि इससे ज़्यादा कॉस्टली होता है। नंबर तीन, एडिंग ऑफ फिलर्स कैन इम्प्रूव द सरफेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेपर, मेकिंग इट मोर रिसेप्टिव टू इंक एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड इमेजेस। क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड इमेज, जो प्रिंट इमेज होती हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है इससे, और रिसेप्टेंस ऑफ इंक इससे इम्प्रूव होता है। फोर्थ है, एडिंग ऑफ फिलर्स कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेपर प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स नीडेड, दस कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो सेलुलोज फाइबर है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। अगर हम सेलुलोज फाइबर को सेव करेंगे, फिलर ऐड करेंगे, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव होंगे और एनवायरमेंटल प्रोडक्शन होगा और पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरमेंट में इम्पैक्ट कम जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फिलर्स कैन निगेटिवली इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेपर। अगर हम लिमिट से ज़्यादा फिलर्स का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फिलर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो पेपर की स्ट्रेंथ पे और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे असर पड़ेगा, निगेटिव असर पड़ेगा। इन इंडिया टैल्क इज़ द मेन फिलर यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग। इंडिया में टैल्क जो है मेन फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टैल्क इज ए हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। टैल्क हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसका फार्मूला है 3MgO4SiO2H2O। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।